आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो गई है, चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक 3 सूचियां जारी की जा चुकी हैं उम्मीदवारों की, जिन पर सहमति बनी है। बरघाट से कमल मस्कोले पूर्व में ही प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सोमवार 9 अक्टूबर 2023 को सिवनी से जो विधायक वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिनेश राय के नाम पर सहमति बनी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह से लवरेज कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे। जगह जगह मिठाई बट रही थी। जैसे ही सूची सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई, वैसे ही फटाकों की आवाज़ से सिवनी गूंज उठा हो मानो। मिठाइयां बट रही थी, कार्यकर्ताओं का उल्लास उत्साह देखते ही बन रहा था। हम थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं। वैसे तो आज़ादी से अभी तक का इतिहास लिमटी की लालटेन में हमने आपको दिखाया था, अब हम 1977 से आपको इतिहास बताते हैं। प्रभा भार्गव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीती थी 15,306 वोट, और उन्होंने पराजित किया था राजेंद्र गुप्ता जेएनपी पार्टी के, 12,670 मत मिले थे 33%। 1980 में अब्दुल रहमान फारूकी कांग्रेस के विजयी हुए थे, 15,375 वोट उन्होंने लिए थे, 45% वोट मिले थे। कीरत सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के पराजित हुए थे, 14,237 अर्थात 41% उन्हें वोट मिले थे। 1985 की अगर बात की जाए तो रमेश चंद जैन के द्वारा 22,692 वोट 60% के लगभग वोट मिले थे। प्रमोद कुमार जैन भारतीय जनता पार्टी थे जो पराजित हुए, 8,906 अर्थात लगभग 22% वोट उन्हें मिले थे। 1990 की अगर बात करें तो महेश प्रसाद शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए थे, और उन्होंने 1990 में 30,955 वोट उन्हें मिले थे और 47% उन्होंने मत प्राप्त किए थे। उन्होंने पराजित किया था ठाकुर हरवंश सिंह को, 24,869 वोट 37% उन्हें वोट मिले थे। और 1990 के बाद कांग्रेस सिवनी में विजयी नहीं हो पाई। महेश प्रसाद शुक्ला जब विजयी हुए थे उसके उपरांत 90 में वे विधि विधायी मंत्री बने थे। सिवनी से विधानसभा से पहली बार मंत्री बनने का सौभाग्य अगर किसी को मिला है तो वो महेश प्रसाद शुक्ला सिवनी विधानसभा से। 1993 में महेश प्रसाद शुक्ला ने फिर एक बार विजय श्री हासिल की, वे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 32,840 अर्थात 47% वोट मिले थे। आशुतोष वर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनसे पराजित हुए थे, उन्हें 28,421 41% वोट मिले थे। 1998 की बात करें तो नरेश दिवाकर विजयी हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, 32,085 38% वोट मिले थे। आशुतोष वर्मा को उन्होंने पराजित किया था और 25,571 31% वोट उन्हें आशुतोष वर्मा को प्राप्त हुए थे। 2003 की अगर बात करें तो नरेश दिवाकर दोबारा विजयी हुए। नरेश दिवाकर महेश शुक्ला दो बार विजयी हुए और दूसरे नरेश दिवाकर थे जो दो बार सिवनी से विजयी हुए। नरेश दिवाकर ने 2003 में 53,312 46% वोट मिले, और राजकुमार खुराना को उन्होंने पटकनी दी थी। राजकुमार खुराना को 37,958 33% अर्थात लगभग 13% वोट कम मिले थे। 2008 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीता पटेरिया विजयी हुई थी, 41,928 33% उन्हें वोट मिले थे, और उन्होंने पराजित किया था दिनेश राय मुनमुन को जिन्हें 29,444 वोट 23% वोट मिले थे। इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आए थे राजकुमार खुराना। आप अगर बात की जाए, माफ कीजिएगा, तीसरे नंबर पर 2008 में तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, और 2008 की अगर आप बात करें तो इसमें तीसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं रही थी। प्रसन्न मालू की जमानत जब्त हुई थी 2008 के चुनावों में, कांग्रेस की जमानत पहली बार जब्त हुई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इसके बाद 2013 के चुनाव की अगर हम बात करें तो सिवनी में बहुत सारे मिथक टूटे हैं। दो बार विधायक बनने के बाद तीसरी बार विधायक जो दो बार विधायक रहे वे तीसरी बार विधायक नहीं बन पाए, ये मिथक यहाँ पर टूटा है। महेश प्रसाद शुक्ला दो बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। नरेश दिवाकर दो बार विधायक रहे, तीसरी बार उन्हें फिर 2013 में टिकट मिली तीसरी बार। दिनेश राय
निर्दलीय विजयी हुए थे, 65,402 37% वोट उन्हें मिले थे। उन्होंने पराजित किया था नरेश दिवाकर को 44,486 25% 12% वोटों का अंतर था। और 2013 में राजकुमार खुराना कांग्रेस से जो थे वे पराजित हुए थे और वे तीसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस धीरे धीरे रसातल में जाती चली गई। 2018 की अगर बात की जाए तो 2013 में निर्दलीय लड़े दिनेश राय, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने 2018 में 99,576 50% वोट हासिल किए थे भारतीय जनता पार्टी से। मोहन सिंह चंदेल कांग्रेस के पराजित हुए थे, 77,568 39% वोट मिले थे उन्हें। तो 11% वोट का डिफरेंस रहा और सबसे ज़्यादा डिफरेंस वोट्स का रहा है अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच में तो भारतीय जनता पार्टी को 1985 में रमेश चंद जैन कांग्रेस से थे और उन्होंने 38% के लगभग वोटों से पराजित किया था प्रमोद कुमार जैन कंवर साहब। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये पूरा हमने आपको लेखा जोखा तब से अभी तक का बताया, जो भी स्थितियां रही चुनाव की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वोटों का प्रतिशत भी हम बता रहे हैं, 2018 में 11% वोटों का अंतर रहा, 2013 में जीत और हार में 12% का अंतर रहा, 2008 में 10% का अंतर रहा, 2003 में 13% का अंतर रहा, 1998 में 7%, 93 में 6%, 90 में 10%, 85 में 38%। चूँकि उस समय एक कांग्रेस की लहर चली थी, 1980 में 4%, 77 में 7%। इस तरह यह पूरा जो भी अंतर आपको दिखाई दे रहा है चार्ट के जरिए बताने का प्रयास किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दिनेश राय अगर तीसरी बार चुनाव जीतते हैं, तीसरी बार टिकट जो मिथक हैं, दो बार विधायक चुने गए हैं यहाँ सिवनी के, मिथक सबसे पहला मिथक तोड़ा महेश प्रसाद शुक्ला ने। जब महेश प्रसाद शुक्ला लगातार 90 और 93 दो बार चुनाव जीते, इसके पहले दो बार कोई भी चुनाव नहीं जीता था, इसके बाद इस मिथक को कायम रखा नरेश दिवाकर ने। 1998 और 2003 में वे चुनाव जीते। तीन बार टिकट किसी भी कैंडिडेट को चाहे विजयी हुआ हो या पराजित नहीं मिली, पर नरेश दिवाकर ने यह मिथक 2013 में तोड़ा। 1998 2003 के बाद उन्हें 2013 में भी टिकट दी गई पर वे 2013 में पराजित हुए। यही स्थिति दिनेश राय के साथ बन रही है। दिनेश राय एक बार निर्दलीय खड़े हुए, 2013 में विजयी हुए, 2018 में वे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, विजयी हुए। अब 2023 में उन्हें एक बार फिर टिकट मिली है, वे तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले जो विजयश्री का वरण कर दो बार विधायक जीते हों और उसके बाद भी उन्हें विजयी होने के बाद टिकट दी गई हो, ऐसे कैंडिडेट्स में नरेश दिवाकर का नाम सबसे पहले आता है। नरेश दिवाकर के बाद दूसरे नंबर पर अब नाम आ रहा है दिनेश राय का। और अगर दिनेश राय चुनाव जीतते हैं, सरकार बनती है और वे मंत्री बनते हैं तो वे पहले ऐसे सिवनी के विधायक होंगे जो तीन बार विधायक चुने जाए गए और उसके साथ ही मंत्री भी रहे। ये स्थिति क्या बनती है, ऊंट किस करबट बैठता है, चुनाव का ही समय ही बताएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।